हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं करण रजानी और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा सीरीज करण का सफर ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंकर करण रजानी। और बारी आ गई है कि रोशनी डालूं मैं उन जगहों पर जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो इस बार बारी है कश्मीर की। कश्मीर यानी कि सबसे ठंडी जगह। और थोड़ा सा बैठने का टाइम आ गया क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बताऊं। और मेरे काफ़ी सारी वीडियोस आगे आप देखेंगे करण का सफर में, जहां पर श्रीनगर से लेकर गुलमार्ग से लेकर पहलगाम से लेकर लेह लद्दाख तक सारे वीडियोस मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उस जगह के लोग और वहाँ का खान पान, ठंड का मौसम है भाई कश्मीर में तो चाय की चुस्की तो बनती है। स्वादिष्ट चाय, चाय के साथ आलू पराठा, मैगी, नूडल्स और ऑमलेट, ये हो जाए तो। अरे आप ये सोच रहे कि खाने पीने की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में आपको ये सब जरूर हर जगह पर मिलेगा। ऑमलेट से लेकर आपको मैगी से लेकर आपको गरम चाय से लेकर कॉफी से लेकर एंड ऑफकोर्स मैं कावा के बारे में कैसे भूल गया, ये केसरी कावा है जो कश्मीर का। आप यहाँ पर आए और जरूर पिए। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि आगे के जो आप मेरे वीडियोस देखने वाले हैं उसमें मैं आपको काफी सारी जगह घुमाने वाला हूँ, जैसे कि श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग, सोनमार्ग, लेह लद्दाख। सो ऐसी सारी जगह है जहां पर आप जाना चाहते हैं और आपके ख्वाब है लेकिन आप सोच रहे हैं कि कैसे जाए, क्या लेकर जाए, क्या ना लेकर जाए। तो मैं हूं ना, आप सभी को बताऊंगा कि क्या लेकर जाए और क्या ना लेकर जाए कश्मीर में। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि क्या करें और क्या ना करें कश्मीर में अगर आप जा रहे हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। तो सबसे पहले कश्मीर में अगर आप जाएं तो पैसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, और अगर ना भी लेकर जाएं तो कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन मजाक के अलावा आप काफ़ी सारे पैसे लेके जाएं क्योंकि काफ़ी सारे घूमने की जगह है। जैसे अगर आप गुलमार्ग में जाते हैं तो गंडोला राइड के अप्रॉक्सीमेटली आपको लगते हैं 1650 रुपये, जो मैं आपको आगे वीडियोस दिखाऊंगा। पहलगाम में आपको घोड़े करने पड़ेंगे, और अगर आप श्रीनगर में आ रहे हैं तो आपको शिकारा जैसी राइड्स है जो आपको 500-600 रुपया पर शिकारा आपको पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई प्रेग्नेंट वुमेन या हार्ट पेशेंट या अस्थमा पेशेंट तो प्लीज़ अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखें क्योंकि मेडिकल शॉप्स थोड़े से कम हैं एंड यहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ये दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रखें। ठंड, हाँ ऑफकोर्स 365 दिन यहाँ पर आपको ठंडी मिलेगी। तो अगर आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अगर यहाँ पर आ रहे हैं या अकेले भी आ रहे हैं तो अपने गर्म कपड़े अपने साथ रखें। तो ऐसा ना सोचें कि महाराष्ट्र, केरला या राजस्थान में गर्मी का मौसम है, समर सीजन है, बच्चों को छुट्टियाँ है, तो चलो हम कश्मीर घूम के आते हैं, गर्मी का सीजन है वहाँ पर भी गर्मी है। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है, 365 दिन यहाँ पर ठंड होती है, यहाँ पर बिन मौसम बरसात हमेशा होती है। तो अपने साथ रेनकोट एंड छाता जरूर रखें। इसी के साथ आप किसी भी मौसम में आए यहाँ पर प्लीज अपने साथ ऐसे मफलर्स जो कि गर्म हो, ऐसे जैकेट्स जो कि गर्म हो, और 3-4 एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े अपने साथ रखें क्योंकि बारिश जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कभी भी हो सकती है। एंड ऑफकोर्स अगर आप लेह लद्दाख में जा रहे हैं तो वहां पर बर्फबारी भी चालू होती है 365 दिन। और क्या ना करे, क्या ना करे से झगड़ा बिल्कुल ना करे, मारामारी बिल्कुल ना करे, तू मैं बिल्कुल ना करे क्योंकि यहाँ पर लोगों में काफ़ी यूनिटी है और यहाँ के लोग अगर आपको कुछ कहते हैं तो प्लीज़ उनकी बात में विश्वास कर ले। लेकिन हाँ, घोड़े वाले जो यहाँ पर हैं जो काफ़ी सारे रेट्स बोलते हैं तो आप उनसे बार्गेनिंग करें। आप चाहे पहलगाम में जाए, आप चाहे श्रीनगर में जाए, कहाँ पर भी जाए, थोड़ी सी बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। कश्मीर में ये है लेकिन क्या करें, यूनिटी तो ज़रूरी है और पैसा तो सभी को कमाना है। अपनी बैग में ये पीने का पानी जरूर, ये पीने का पानी नहीं, कोई भी पीने का पानी रखे क्योंकि प्यास कभी भी सता सकती है। काफ़ी सारे रोड्स हैं जो यहाँ पर जाम होते हैं जब आप लेह लद्दाख की तरफ जाएं क्योंकि बर्फबारी जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमेशा होती रहती है। इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग भी यहाँ पर होती रहती है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ ये पानी की बॉटल हमेशा रखें एंड कुछ खाने पीने का सामान अपने बैग में रखें। एक छोटा सा मैं कहता हूँ कि एक बैकपैक ले लें, जहाँ पर आप कश्मीर में कहीं पर भी जाएँ तो बैकपैक आपको काम आए। जब आप बर्फ़ में जाएं तो प्लीज़ वो कपड़े ज़रूर ले लें यहाँ से। ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो बर्फ़ में काम आ जाएंगे, नहीं। अगर आप गुलमार्ग में जा रहे हैं, अगर आप लेह लद्दाख में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जो गर्म कपड़े आपको यहाँ से रेंट पर मिलेंगे केवल 300 या 350 रुपये में आपको ये लेने हैं रेंट पर, तो ये कपड़े ज़रूर लें जो आपको कपूर के साथ में आपको मिलेंगे। एंड इन्जॉय करें कश्मीर। देर किस बात की, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एंकर करण रजानी को। चलिए आपको ले चलते हैं करण का सफर के एपिसोड में, जो कि है कश्मीर। आप अब तक यहां पर ही है, मेरे पहले एपिसोड के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जल्दी से शेयर कीजिए मेरा वीडियो ताकि आप सारी दुनिया में घूम सके अपने करण रजानी के साथ में। Goodbye.